हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी खाना। आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च के पकोड़े। एक शिमला मिर्च हम पतले पतले लंबाई में काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पकोड़े बनाने के लिए। हम लेंगे 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, 1 मिर्चा, लहसुन अदरक का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच मंगरैल, 2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम उसमें पानी डाल के गाढ़ा घोल बना लेंगे। अभी हमारा बेसन तैयार हो चुका है, अब हम पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम शिमला मिर्च को बेसन में लपेट के तलेंगे। हम इसे लाल होने तक तलेंगे। और ये हमारा पकौड़ा तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।